in another video. In this video, I am going to tell you some tricks to learn antihypertensive drug. Okay? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है. हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर. क्लियर? तो अब आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ. एक्चुअली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बहुत ही वास्ट है इसका वो, इसमें बहुत ज्यादा ड्रग्स हैं. तो इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा. तो ये पहला पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, अभी जस्ट अपलोड करूंगा. ओके तो ये अभी फर्स्ट वीडियो है. तो आप यहाँ देखिए जो ट्रिक है बहुत ही ज्यादा सुटेबल ट्रिक है और सारी ड्रग्स लगभग लोग पूरी की पूरी ड्रग्स इसमें कवर हो गई हैं. तो आप ध्यान से इस ट्रिक को देखिएगा. ओके एंड आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आप लोगों ने नहीं आया उससे, लेकिन मैं वो समझा कि आपको क्लासेस पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो मैं क्लासेस के लिए भी ट्रिक बना रखा हूँ. ओके तो अब ये देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की जो ट्रिक है वो है Chiefs of American Medical Council Legal Certificate of Adopt Cleft and Clonazepam. Okay, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है Chiefs of American मतलब American Medical, मतलब कि जो American Medical Council का जो Chief है उसने क्या किया, Cancel कर दिया Legal Certificate. Legal Certificate को Adopt cleft and clonazepam, जो वहां पर ड्रग चलती थी cleft and clonazepam ड्रग चलती थी जो उन्होंने adopt किया था कि हाँ ये मेरे यहाँ चलेगी, लेकिन उसका medical legal certificate chiefs of American ने medical ने cancel कर दिया. तो यही यहाँ पर कहा गया chiefs of American medical cancel legal certificate of adopt cleft and clonazepam. cleft and clonazepam दोनों drugs हैं. तो ये क्लियर हो गया. अब जो चीफ्स का फर्स्ट लेटर है वो है सी, वो इंडिकेट करता है क्लोरथैलिडोन. ओके नेक्स्ट जो लेटर है एच है और वो करता है हाइड्रो. ओके नेक्स्ट करता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड को. उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है आई इंडेपामाइड. नेक्स्ट जो लेटर है ई एप्लेरेनोन. ओके नेक्स्ट जो लेटर है वो एफ फ्यूरोसिमाइड. नेक्स्ट जो लेटर है एस वो है स्पायरोनोलैक्टोन. ओके चीप्स का काम खत्म. ऑफ यहां पर दो बार यूज हुआ है, आपको बता दूं ऑफ का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक को क्लास वाइज बनाने के लिए यूज किया हूं मैं, बस ऑफ का यहां पर कोई भी यूज नहीं है. अब नेक्स्ट जो आता है वो है अमेरिकन वर्ड. अमेरिकन का ए यूज हुआ है और उस ए का मतलब है एनिल राय. ओके एनिल राय. उसके बाद मेडिकल, मेडिकल का एम यूज हुआ है और उस एम का मतलब है मेथिल डोपा. ओके देन जो कैंसल वर्ड है, कैंसल का सी यूज हुआ है और ये क्लोनिडीन को इंडिकेट करता है. देन नेक्स्ट जो वर्ड है लीगल, लीगल का एल यूज हुआ है और एल से लेविटेलॉल. ओके लेविटेलॉल. नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट वर्ड है, सर्टिफिकेट का सी यूज हुआ है और सी से कार्बेडिलोल. ओके नेक्स्ट जो वर्ड है वो ऑफ है, मैंने आपको बता दिया दोनों ऑफ का कोई यूज नहीं है, इट मींस कट. एडॉप्ट का फर्स्ट लेटर ए है जिसका मतलब है एलिस कायरन. ओके एलिस कायरन. फिर एडॉप्ट में नेक्स्ट जो लेटर है डी है, उसके बाद ओ, तो डी एंड ओ का सेम मीन सेम एक साथ वो कंसिस्ट किए गए हैं, तो डी ओ मतलब डॉग्जे जोसिन, डॉग्जे जोसिन. उसके बाद पी है, तो पी से जो यहां पर आपको बता दूं पी से यहां पे तीन ड्रग लिखा हूं क्योंकि ये सेम क्लास की हैं और तीनों पी से स्टार्ट है. ठीक है तो फर्स्ट जो ड्रग है वो है प्रेजोसिन, नेक्स्ट फेंटोलेमीन, नेक्स्ट फेनोक्सी बेंजामिन. प्रेजोसिन, प्रेजोसिन, फेंटोलेमीन, फेनोक्सी बेंजामिन. ओके अब एडॉप्ट तक क्लियर हो गया, एडॉप्ट का पी क्लियर हो गया. अब टी से जो ड्रग है वो है टेरेजोसिन. ओके अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का फर्स्ट जो लेटर है वो है सी, सी से कैप्टोप्रिल. नेक्स्ट जो लेटर है वो है एल, एल से लिसिनोप्रिल. नेक्स्ट जो लेटर है वो है ई, ई से इनेलेप्रिल. ओके ई से इनेलेप्रिल. उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर है वो है एफ, एफ से फोसिनोप्रिल. नेक्स्ट जो लेटर है वो है टी,
टी से ट्रेंडुलर प्रिल, ओके। तो क्लेफ्ट भी क्लियर। अब आता है क्लोटिया जिपेम। तो यहां पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये क्लोटिया जिपेम है तो इसमें ए जेड ई का कोई यूज नहीं है। तो सी से, यहां पे फर्स्ट लेटर क्लोटिया जिपेम का है सी, सी से जो ड्रग है वो है कैंडी सार्टन, ओके। नेक्स्ट जो ड्रग है वो एल से है, एल से जो ड्रग है वो है लो सार्टन, यहां पर आप देखिए लो सार्टन। उसके बाद ओ, ओ से जो ड्रग है वो है ओलमी सार्टन, ओके। देन नेक्स्ट जो ड्रग है वो है टी, टी से जो ड्रग है वो है टेलमी सार्टन। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है वो है आई, आई से जो ड्रग है उसका नाम है इर्बे सार्टन। और यहां पर ए जेड ई का कोई मतलब नहीं है, लग गया कट। अब कट लगने के बाद यहां पर डॉट डॉट कर दिया, ओके क्लियर। अब पैम, क्लोटिया जिपैम, एक्चुअली ये बेंजोडाइजपिन के एनालॉग है। तो बेंजोडाइजपिन का एनालॉग जो है क्लोटिया जिपैम। तो क्लोटिया सी एल ओ टी आई मैंने लिख लिया, अब ए जेड ई का कोई मतलब नहीं। पी ए एम का देखिए, पी से प्रोप्रेनोलॉल, ए से एटिनोलॉल, एम से मीटोप्रोलॉल, ओके। तो ये रहा आपका कंप्लीट ट्रिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का पार्ट वन का। नेक्स्ट जो दो इसकी क्लासेस हैं वो नेक्स्ट उसमें मैं बनाऊंगा। तो इसके पहले आपको ये बता दूं कि एक्चुअली क्लास जो याद करते हैं उसमें दिक्कत जो आती है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब देखिए, जो यहां पर मैंने इंडिकेट किया है, सॉरी यहां पर ये डायूरेटिक्स जो है, डायूरेटिक्स, एक सेकेंड, रेड मार्कर दीजिएगा, एक सेकेंड। ओके, तो सॉरी यहां पर जो डायूरेटिक्स है वो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है, ओके। और यहां पर जो मैंने रेनिन एंजियोटेंसिन जो है इसको आपकी इस कलर से किया हुआ है, ग्रीन से, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखते टाइम मिस्टेक शायद हो गई थी तो इसको मैंने ग्रीन से किया। तो अब यहां पर देखिएगा रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, तो जो भी ड्रग है वो इस तरह से डिनोट की हुई, जैसे ये कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनेलाप्रिल, फोसिनोप्रिल, ट्रेंडोलाप्रिल, कैंडिसार्टन, लोसार्टन, ओल्मिसार्टन, टेलमिसार्टन और इर्बेसार्टन। ये सब क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स हैं। और आपका जो मैंने ब्लू कलर से किया है, ओके, ये तो ग्रीन कलर से रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स हो गई, जो ब्लू कलर से किया है वो है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स आप समझने के लिए आप कैसे समझेंगे? तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में आपको ये पता है हमने एड्रेनर्जिक ड्रग पढ़ी थी, तो एड्रेनर्जिक ड्रग यहां पर सिंपैथेटिक वही है, वहां पर एड्रेनर्जिक ड्रग को सिंपैथोमिमेटिक भी कहा जाता था। तो सिंपैथोमिमेटिक, अब इसके आपको क्लासेस याद करनी है यहां पर, क्योंकि ये फर्दर और क्लासेस में डिवाइड हो गया है यहां पर एंटी हाइपरटेंसिव में। तो क्या क्लासेस हो सकती है? तो जो सिंपैथेटिक ड्रग्स थे इनके जो रिसेप्टर थे वो क्या थे? अल्फा एंड बीटा। तो क्लासेस कैसे डिवाइड होंगी? अल्फा इनहिबिटर या अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स या सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथेटिक ड्रग्स, ओके, या सेंट्रली सिंपैथोलिटिक्स, ये चीज हो गया। तो ये चीज यहां पर आप सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स याद ऐसे कर सकते हैं। आपको रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर याद करना है तो इसमें कैसे याद करना है, ये इसी में छिपी हुई है सारी क्लासेस। वो कैसे? एंजियोटेंसिन लिखा हुआ है तो एंजियोटेंसिन मतलब इनहिबिट हो रहा है और रेनिन ये भी इनहिबिट हो रहा है। ये दोनों क्या करते हैं? ये ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ा देंगे, ओके, इसलिए इनको इनहिबिट किया जाता है। तो रेनिन इनहिबिटर एक क्लास हो गई सीधे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है क्या? एक्चुअली जो एंजियोटेंसिन है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1, वो किसके थ्रू होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू, और जो कि बीपी को हाई करता है इसलिए उसको इनहिबिट किया जाता है। तो एंजियोटेंसिन यहां पर लिखा हुआ है, ये जो तीन क्लासेस में डिवाइड होता है, तो पहला तो यही से आ जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। दूसरा जो है आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ही इनहिबिट कर देते हैं, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर। तो ये दोनों तो आप याद कर लिए। अब तीसरा डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स तो आप किसके नाम से ही पता चल गया कि हाँ डायबिटिक्स है। अब आप डायबिटिक्स पहले पढ़ चुके हैं कि हाई सीलिंग होता है, थायराइड होता है, और तो उनको आप उससे याद कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने क्लास याद करने में जो दिक्कत होती थी वो बता दिया। तो अब डायबिटिक्स रेड कलर से हैं, तो यहां पर देखिए रेड कलर से कौन कौन से हैं?
सी, यहाँ पर ये देखिए मैंने किया है ना रेड से, तो सी से क्लोरथैलिडोन, यहाँ पर आपको पढ़ा होगा क्लोरथैलिडोन, क्लोपामाइड, तो ऐसे तो क्लोरथैलिडोन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इंडापामाइड, एप्लेरानोन, फिरोसिमाइड, स्पायरोनोलैक्टोन, एमिलराइड, यहां तक ये क्या है डायूरेटिक्स हैं, ओके, क्योंकि इनका रेड से मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया। ब्लू से जो डॉट किया है यहाँ पर देखिए, ब्लू से डॉट हुआ है मेथिल डोपा, क्लोनिडिन, लेबिटेलोल, कार्बिडिलोल, इसका मतलब ये क्या है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स हैं, ओके, ब्लू से जो मैंने डॉट किया यहाँ पर, ब्लू से जहां तक डॉट है मतलब डॉक्साजोसिन, प्रेजोसिन, फेंटोलामिन, ओके, फिर फेनोक्सीबेंजामिन, केरेजोसिन, ये क्या है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स हैं। फिर यहां पर आपके ब्लू से मैंने तीन और वर्ड रखी है, प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये क्या है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स हैं। कैसे पहचान लिया आप इनके ब्लू कलर से, ओके, डायुरेटिक्स मैंने बना बता दिया, सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स बता दिया, और आपको ये तो पहले ही बता दिया था, तो अब इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं याद करने में, सेम चीज वही रिपीट हुआ है कि हाँ एड्रेनर्जिक है तो अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, क्या दिक्कत है, अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर जब इनके रिसेप्टर ही हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा ब्लॉकर ही होंगे ना, याद हो गया। अब एंजियोटेंसिन हाई करती है बीपी को, तो उसे रोकने के लिए क्लासेस में जो ड्रग बनी हुई है तो वो क्या होंगी, एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करेंगी। अब उसको कैसे कर दी ब्लॉक, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दी, रेनिन को ब्लॉक कर दिया या रेनिन को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, या एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया। अब इन्हें ब्लॉक कर दिया तो एंजियोटेंसिन अपना वर्क करेगा नहीं, मतलब बीपी हाई होगी नहीं, तो वही चीज है, आपको इसमें कुछ नया नहीं याद करना है। ये तीन जो क्लासेस है मैंने ये यहां पर लिख दिया, थ्री क्लासेस, और जो दो क्लासेस और है वैसोडायलेटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी जस्ट इसी के बाद में बना रहा हूँ और वो आपको तुरंत अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें, और इस वीडियो को आपको अगर समझ आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।